आरोपी उनमें से 6 को दोषी करार दिया गया है। धाराएं कौन सी लगी और सत्येंद्र भी जैसे हमें बता रहे थे वो ये कि आज ही हो सकता है कि सजा का ऐलान हो जाए, क्योंकि लंच के बाद इस पर बहस होगी, सजा पर बहस होगी और फिर उसके बाद ट्रायल के मुताबिक उनको सजा का ऐलान होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि धाराएं कौन सी लगाई गई है। सांझीराम, दीपक कनौजिया जो कि पुलिस ऑफिसर है, सुरेंद्र वर्मा, आनंद दत्ता, विशाल को फिलहाल विशाल के बारे में खबर नहीं आई है। विशाल के बारे में हम तुरंत कोशिश करेंगे कि सत्येंद्र से हम और जानकारी लें, क्योंकि जैसे वकील बता रहे हैं कि उसके बारे में अभी तक उसको दोषी करार नहीं दिया गया, तो वो क्या धाराएं उस पर लगाई गई है वो भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सांझीराम का भतीजा भी, वो भी इसमें इन्वॉल्व था, तो उसको भी दोषी करार दिया गया है। विशाल को बरी कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि ये इस पूरे मामले में आरोपी था। लेकिन जैसा कि सत्येंद्र भी जानकारी दे रहे थे, कुल 300 ऐसे विटनेस थे इस पूरे मामले में और आखिर मोमेंट में, यानी कि आखिर समय में वो हॉस्टाइल हो गए। सत्येंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस आधार पर विशाल को बरी कर दिया गया और जो बाकी 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं, क्या धाराएं पता लग पाई हैं, किन धाराओं के आधार पर उन्हें दोषी माना गया है? और इसके अलावा इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो निगरानी है वो इस मामले में पूरी तरीके से लगातार बनी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की बड़ी फजीहत हुई थी। पुलिस कर्मियों ने रिश्वत लिया, रिश्वत लेकर सबूत बदले, सबूतों को मिटाया गया, जो लड़की के कपड़े थे खून से सने हुए उन्हें धोकर अदालत में पेश किया गया। पूरी की पूरी चार्जशीट मन घड़ंत तरीके से तैयार की गई और उस चार्जशीट में सिर्फ जो एक जुवेनाइल है, मासूम है, उसको आरोपी बनाकर कोर्ट में चार्जशीट दे दी थी। बाद में लोगों का रोष फूटा, गुस्सा फूटा और ये मामला कहीं ना कहीं यूएनओ तक गया और उसके बाद में ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को पंजाब में, जो कि जम्मू के पास लगता है, पठानकोट में शिफ्ट किया गया और जितने आरोपी थे उनको जम्मू से, जो है, जम्मू कश्मीर की जेल से गुरदासपुर की जेल में शिफ्ट किया गया। और अब जब फैसला आया है, इसमें 6 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। सजा का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। अभी ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि सजा का ऐलान भी आज किया जाएगा या नहीं, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है 6 आरोपी उनको दोषी करार दे दिया गया है। किन किन धाराओं में क्या सजा दी जाएगी, इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है। नवजोत, बिल्कुल बहुत जल्द फैसला होगा, लेकिन देखिए सत्येंद्र, हम इंतजार इसी बात का कर रहे हैं क्योंकि धाराएं कौन सी लगी। और दूसरी बात यह कि अगर विशाल को बरी किया गया है तो वो किस आधार पर किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा धाराएं कौन सी है, उन धाराओं के तहत किस तरह की सजा हो सकती है, सजा पर बहस क्या आज ही होगी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लंच के बाद सजा पर बहस होगी और फिर उसके बाद जस्टिस तेजेंद्र सिंह सजा सुनाएंगे, ये तमाम ऐसे सवाल है सत्येंद्र जिसका जवाब जानना जरूरी होगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि वकील साहब जो कि कोर्ट परिसर से बाहर आए थे, जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने यही बताया कि 7 में से 6 को दोषी करार दिया गया है, विशाल को बरी किया गया है। तो सवाल इसी से उठते हैं कि पहला, दोषी करार किन धाराओं के तहत और उसके तहत सजा कितनी हो सकती है, क्या सजा आज ही होगी या इसके लिए कोई अगली तारीख दी जाएगी, और दूसरा, अगर विशाल को छोड़ा गया तो उसका आधार क्या रहा। मामला बेहद पेचीदा, उसको लेकर पूरे देश में रोष था और ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द सजा का ऐलान किया जाए। इसके मद्देनजर भी हो सकता है कोर्ट आज ही फैसला सुना दे। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना ये मुमकिन है कि आज ही सब कुछ तय कर दिया जाए, कोर्ट की तरफ से धाराएं भी बता दी जाए, सजा का ऐलान भी कर दिया जाए, सब कुछ आज ही निपटा दिया जाए? देखिए, जिस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसको देखकर लगता है कि इस पर सजा का ऐलान आज ही हो सकता है, क्योंकि हम बार बार लगातार आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगाहें टिकी हुई हैं और यहां तक कि जो जज है वो भी चाहते हैं कि इसका जो है जल्द वो हो जाए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 6 लोगों को दोषी करार दिया गया है, विशाल को बरी किया गया है, आनंद दत्ता वर्मा और तिलक राज
उनको 201 आरपीसी जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, यानी कि सबूतों को खत्म करने का चार्ज उन पर लगाया गया है। और इसके अलावा इस पूरे मामले में जो साजिश करता है वो साजी राम को बनाया गया है। साजी राम ही वो शख्स था जो रसाना गांव में वहां रहता था और रसाना के आसपास जो एक कम्युनिटी है बकरवाल, उनको बसने नहीं देना चाहता था। बिल्कुल, बंजारा कम्युनिटी उन्हीं को बसने नहीं देना चाहता था और ये साजिश साजी राम की तरफ से ही रची गई थी। सत्येंद, आप जब तक ये पता कीजिए सबसे पहले कि दोषियों पर धाराएं कौन सी लगी हैं, विशाल को बरी करने का आधार क्या रहा। इस बीच अलीशा माथुर से हम बात कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अलीशा, जानना और समझना ये चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला चला, डे टू डे ट्रायल इस मामले में, और एक साल के अंदर अंदर इस पूरे मामले में फैसला आया है। अब ये बताएं कि क्योंकि 7 में से 6 दोषी करार दिए गए हैं और हालांकि धाराएं अभी तक पता नहीं चल पाई, लेकिन क्या लग रहा है कि सजा कितनी हो सकती है मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जज साहब ने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये। जी देखिए, यहाँ पर क्योंकि हत्या और रेप का मामला है और बच्चे के रेप का मामला है, इस तरह के केसेस में डेथ पेनल्टी तक हो सकती है, फांसी की सजा तक दी जा सकती है। हमें अभी कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि सेंटेंसिंग एक्चुअली होगी कब, किस तरह की सजा दी जाएगी, लेकिन जो हमें अभी तक पता चला है वो ये है कि 2 जो पुलिस वाले हैं इसमें जिनका नाम है आनंद दत्त वर्मा और तिलक राज, जो कि वहां के लोकल पुलिस वाले थे, जिनके खिलाफ ये केस था कि उन्होंने सारा एविडेंस मिटाने में मदद की थी मेन आरोपियों की, उनके खिलाफ दफा 201 जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस बनता है, सिर्फ उसमें कन्विक्शन है, बाकी हत्या वगैरह में उनके खिलाफ चार्जेस नहीं है, तो उनके लिए कम सजा दी जाएगी, उनकी सजा काफी कम रहेगी, लेकिन बाकियों के लिए मौत की सजा तक हो सकती, फांसी की सजा तक हो सकती है। हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कोर्ट ने ये क्या कहा है। विशाल जंगोत्रा के खिलाफ कोर्ट ने, विशाल जंगोत्रा जो कि भतीजा है सांझी राम का, जिसको मेन आरोपी बनाया गया, जिसको पूरा मास्टरमाइंड बताया गया है पूरी साजिश का, विशाल जंगोत्रा को बरी कर दिया है कोर्ट ने इस बिना पर, क्योंकि विशाल ने अपनी पिटिशन अपने डिफेंस ये रखा था कि वो उस वक्त वहां पर था ही नहीं, वो रसाना में हुआ में था ही नहीं, वो इनफैक्ट मेरा ठाया हुआ था कोई एग्जाम देने के लिए, और उसके लिए उसने कुछ विटनेसेस कुछ एविडेंस भी दिया था, तो इसी बिना पर उसको बरी कर दिया गया है, लेकिन बाकी आरोपियों को सबको कन्विक्शन हुई है।